स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 24 से, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को। बायोडायवर्सिटी यानी जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे, ठीक है, और उनका कंजर्वेशन, उनको बचाना। नाउ इफ़ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वेयर टू विजिट अवर प्लैनेट अर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बैफल हिम वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ दैट ही वुड एनकाउंटर। यानी कि अगर एक एलियन बहुत ही दूर की गैलेक्सी से हमारी अर्थ पे विजिट करता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसको बहुत ही शॉकिंग लगेगी, जो बहुत ही अलग लगेगी, वो क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो यहाँ पे मिलेंगी, एक ही अर्थ पे इतनी सारी लिविंग फॉर्म्स। इवन फॉर ह्यूमंस द रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद विच दे शेयर दिस प्लैनेट नेवर सीज टू एस्टनिश एंड फैसिनेट अस। यानी कि ह्यूमन के लिए भी जो रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स हमारे प्लैनेट पे रहते हैं, वो हमें शॉक करना कभी बंद नहीं करते, बिकॉज हमें लगता है कि इतने ऑर्गेनिज्म्स हैं और हमें धीरे धीरे पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स, सॉरी दिस टाइप स्पीसीज ऑफ बीटल्स एंड दिस स्पीसीज ऑफ फिश एंड नियरली दिस स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स। तो अलग अलग रेशियो लिखी हुई है, ठीक है, 28,000, 20,000 एंट्स की अलग अलग, फिशेज की अलग अलग, ऑर्किड्स की अलग अलग। तो हम जो एक किसी चीज़ को जानते हैं कि समझ लो एंट है, चींटी है, वो कितनी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट है, कितनी सारी उसकी कैटेगरीज प्रेजेंट हैं, वो हम देख रहे हैं। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं जो स्टडी कर रहे हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इतनी डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, why are there so many species, क्या इतनी ग्रेट डाइवर्सिटी बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ, ये जो डाइवर्सिटी है हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बायोस्फीयर, वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ़ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस, क्या जो चीज़ें हो रही हैं वो कुछ डिफरेंस होता अगर डाइवर्सिटी कम होती। हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किस तरह से बेनिफिट करते हैं इस डाइवर्सिटी से। सबसे पहले तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ लेते हैं। इन अवर बायोस्फेयर इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल बट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन सेल्स टू बायोम्स। यानी कि हमारे बायोस्फेयर में टोटल जो भी है उसमें जो डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी को बोला है हेट्रोजेनिटी, वो सिर्फ एक स्पीसीज के लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती कि एक स्पीसीज ही अलग है, नहीं, हर लेवल पे, चाहे छोटे से छोटा मैक्रोमोलिक्यूल हो, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, जो चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए, या फिर बायोम, ठीक है, जो जैसे डेजर्ट हो गया, टुंड्रा हो गया, या फिर आपका क्या कहते हैं रेन फॉरेस्ट हो गया, अलग अलग तरह के क्लाइमेट वाली जगह। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म था किसने दिया? एडवर्ड विल्सन ने दिया, ताकि वो डिस्क्राइब कर सके कंबाइंड डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे जो टोटल ओवरऑल डाइवर्सिटी है वो हम देख सकें। नाउ व्हेन वी स्टडी देयर आर थ्री काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, द फर्स्ट वन इज़ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। नाउ समझने की कोशिश करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को। एक सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। यानी कि एक ही सिंगल स्पीसीज वो क्या शो कर सकती है? बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी, वेरिएशन शो कर सकती है। जैसे आपको एक बहुत एग्जांपल देती हूँ कॉमन सा, आप आम खाते हो, ठीक है, आम अगर आप देखोगे तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही तरह का आम है। अगर आप मार्केट में जाओ, पूछो कितने तरह के आम होते हैं, आपको इतनी सारे आम बता देंगे वो लोग। तो वो क्या है, एक स्पीसीज यानी मैंगो की, उसकी कितनी सारी जीन्स हैं, कितनी सारी डाइवर्सिटी है। द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोन इन डिफरेंट हिमालय रेंजेस माइट बी इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी एंड कंसनट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस। यानी कि एक मेडिसिनल प्लांट दे रखा है रोवोल्फिया वोमिटोरिया,
ठीक है, उसके बारे में बोल रखा है जो हिमालयन रेंजेस में ग्रो करता है, हो सकता है कि उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है, रेस्पिरिन लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे कंसंट्रेशन पे डिवीजन है या जो भी है, बट उसकी बहुत सारी क्या कहते हैं वेराइटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सेम वे में जो इंडिया है उसमें 50,000 से ज़्यादा स्ट्रेन्स हैं राइस के। हम जो राइस खाते हैं वो भी अलग अलग तरह के आते हैं, सेम वे में 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो, हो सकता है कोई नई एक और वेराइटी प्रोड्यूस भी हो गई हो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। नाउ स्पीसीज डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, जो डाइवर्सिटी स्पीसीज लेवल पे देखने को मिलती है, स्पीसीज लेवल पे देखने को मिलती है मतलब जैसे कि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा, स्पीसीज वहाँ मिलती है, वेरिएशन वहाँ देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट में एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो जब हम स्पीसीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, उनकी डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं। नाउ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अगर मैं आपसे बोलूँ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, इकोसिस्टम लेवल पे। अब एक इंडिया एक ऐसी जगह है, बहुत सारी और भी होंगी बट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिल जाएगा जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा चेरापूंजी की साइड जाइए वो, जहाँ पे इतनी बारिश होती है। सुंदरबन में देखिए मैंग्रोव्स देखने को मिल जाएंगे, कोरल रीफ देखने को आपको मिल जाएंगे। ये कोरल रीफ क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पानी में जो बायोडाइवर्सिटी होती है वहाँ पे। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मैं आगे सीरीज़ में डालूंगी बट अभी इतना ही पढ़ते हैं। वेटलैंड ऐसे एरियाज़ होते हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं, ना पूरी तरह से लैंड होते हैं ना पानी वाली जगह होती है, पानी भरा हुआ होता है। एस्चुरीज होती हैं, एल्पाइन मीडोज होते हैं, ये सारे क्या हैं अलग अलग डाइवर्सिटी शो करते हैं। अब जैसे कि आपका एस्टुरीज हो गया, एस्टुरीज क्या है, ये वो पार्ट है जहाँ पे रिवर सी में मिलती है। ठीक है, एल्पाइन मीडोज अगर आप बहुत ही लाइक माउंटेन एरिया में जाओगे वहाँ पे छोटी छोटी ग्रासेस उगती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इंडिया में मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो इसने यही बोला है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है जितनी आपको नॉर्वे में भी नहीं मिलेगी। नॉर्वे का एक साथ कंपेयर किया और स्कैंडिनेवियन जो यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं कुछ कंट्रीज़ को उस पार्ट में ले लेते हैं। नाउ इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। ये एक दो दिन का काम नहीं है, जो आज हम इतनी डाइवर्सिटी देख रहे हैं ये बहुत साल लगे हैं, बहुत इवोल्यूशन हुआ है उसके बाद जो आज प्रेजेंट सिचुएशन है हम देख पा रहे हैं। बट वी कुड लूज ऑल दिस वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरीज इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉसेस कंटिन्यू। यानी कि हम ये सारी खो देंगे अगर जो प्रेजेंट रेट चल रहा है, जिस तरह से हम स्पीसीज को खो रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू रहा तो हम मोस्टली सारी स्पीसीज खो देंगे। Biodiversity and its conservation are now vital environmental issue. Biodiversity यानी जो variation है और उसका conserve करना बहुत ही important environmental issue है, international concern बन चुकी है। It's not just about India, हर जगह पे इस बारे में बात हो रही है, इतने सारे programs चल रहे हैं जिससे सिर्फ protection मिल सके सारे environmental factors को। Now more and more people around the world begin to realize this critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet. अब लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, उनको पता है कि क्या ज़रूरत है, why it is important, ये किस तरह से हमसे related है। तो ये हमारा पार्ट 24th था इकोलॉजी सीरीज़ का, जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी अबाउट बायोडायवर्सिटी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाकी के पार्ट देखने के लिए सीरीज़ के आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने सारे लिंक डाल रखे हैं। उसके अलावा अगर आप 11th और 12th या फिर 12th की इकोलॉजी देखना चाहते हैं तो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाके आपको मिल जाएगी, या फिर होम पेज पे आप देख लीजिए बायोलॉजी, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।